मेरी गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि आज पुलिस ने सरकार के इशारे पे उन बच्चों को खूब पीटा। जो महिला प्रोटेस्टर वहां बैठी थी, महिला पहलवान वहां बैठी थी, वो पहलवान जिन्होंने देश में, दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उनको पीटा। वो जो टेंट था उसको उखाड़ दिया, उनको सबको उठा के डिटेन कर दिया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को जो दिल्ली में रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरे मन में ये पीड़ा हो रही थी कि भाई मैंने उन बहनों से वादा किया था, लेकिन आज मैं यहां हूं, सरकार ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। अगर मैं वहां होता तो सरकार चाहे कितना जोर लगा लेती, लेकिन उन बहनों को पीटने की हिम्मत नहीं कर पाती, सरकार जानती है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मुझे यहां आना था, आपने मेहनत की थी, आप जुटे थे, आपके सम्मान का ख्याल रखना था, वही उन बहनों को दिया हुआ वचन भी मेरे याद है। मुझे आज इतनी तकलीफ हो रही है कि आप देख रहे होंगे मंच में, मैं तब से फोन ही चेक कर रहा हूं कि जितना अन्याय आज दिल्ली में हुआ, जो किसान आ रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया, जो महिला किसान आ रही थी उनको अरेस्ट कर लिया, कई पत्थर लगा दिए, कई कांटे लगा दिए, कई लाठी चार्ज कर दिया। मेरा मन सच में नहीं हो रहा था कि मैं यहां एक मिनट भी रुकूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं आप अगर मेरे पास साधन होते यहां से वहां पहुंचने के तत्कालिक, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के चला जाता, क्योंकि मैं आपके बीच तो बाद में भी आ जाऊंगा, लेकिन जहां बहन बेटी के सम्मान की बात हो और वहां चंद्रशेखर आजाद ना हो, तो इस बात को शायद मेरा जमीन, मेरा मन स्वीकार ना कर पाए। तो ये दर्द मुझे था, मुझे आपसे बताना भी था कि मैंने अभी एक ट्वीट करके आपके साथ बैठे वादा भी किया कि जहां से टेंट उखाड़ा वहीं चलेगा आंदोलन, और सरकार गलतफहमी में ना रहे, मुकाबला याद रखे, किसान कमेरों से है, दिमाग ठीक कर देंगे पूरी सरकार का, अगर सरकार का दिमाग खराब होगा तो मैं जल्दी वहां लौटूंगा उनके बीच, और फिर से वो आंदोलन वहीं चलेगा और वो आंदोलन हम लोग जीतेंगे।